नमस्कार दर्शकबिन, लॉजिकल एग्रो ज्ञान में आपको स्वागत है। आपने यहाँ पर लहसुन खेती देख रहे हैं। लहसुन खेती कैसे करते हैं, मैं इसके विषय में आज आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। लहसुन खेती ब्लाउट ज़मीन में होता है। इसका पीएच 5.5 से 7.5 तक अच्छा रहता है और इतने में हम कर सकते हैं। और प्रारंभिक मल का अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। और ये ठंडी मौसम में 10 डिग्री सेल्सियस में 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका पौधे का जो वृद्धि विकास अच्छी तरह से होता है। और पौधे ने जो फल हालने का समय होता है उस टाइम में आपका तापक्रम यहाँ पर मिनिमम आपका 20 डिग्री से ऊपर 30-35 डिग्री तक होना चाहिए। और मेरा मतलब क्या है, अपने ठंडी समय में इसको बीज रोपण कीजिए और गर्मी समय में इसको यहाँ से उत्पादन कीजिए। 120 दिन में 100 दिन में लहसुन खेती आपका उत्पादन होगा। और लहसुन बहुत सारे खाद्य तत्वों में एक औषधि का काम करता है, बहुत फायदाजनक है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होता है और इसको हम सभी कुछ वेजिटेबल में इसको हम प्रयोग करते हैं। और इसका रोग के विषय में देखो तो ये जो पत्ता चूसने वाला जो भुसुना और फंगिसाइड होता है इसके कारण से इसमें प्रॉब्लम आता है ऐसा। और सिंचाई कम होने के बाद और मल को भी कम होने के बाद ऐसा प्रॉब्लम लास्ट में आता है। और इसके लिए हमने सिंचाई अच्छी तरह से करना चाहिए और मल खाद को अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। थोड़ा सा यूरिया थोड़ा सा डाल के हमने इसमें सिंचाई करना चाहिए। और इसको जो पत्ता चूसने वाला जो भुसुना ऐसा फंगिसाइड का जो है उसमें उसका औषधि थोड़ा सा छिटकना चाहिए। और ऐसे करने से हमारा लहसुन खेती अच्छा होगा। ब्लाउटे ज़मीन होना चाहिए और ठंडी मौसम में हम इसको लगाते हैं। और इसका हाइब्रिड जात भी होता है और लोकल जात भी होता है। और हम यहाँ पर हाइब्रिड जात का खेती कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा फल मिलता है और हमको बहुत फ़ायदा भी होता है। और लहसुन खेती की करने के लिए भी डिस्टेंस आपने एक लाइन से दूसरे लाइन का दूरी 15 सेंटीमीटर और एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड का दूरी 10 सेंटीमीटर करके हम इसे करके कर सकते हैं। और इसको अच्छे तरह से गुड़ाई करना चाहिए। इसमें जो झार वार आता है दो बार गुड़ाई करना चाहिए। और आपने सिंचाई उतना बड़ी करना नहीं चाहिए जितना हम प्याज में करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा सूखा सूखा मिट्टी रख के थोड़ा सा सिंचाई करके इसको हमने करना चाहिए। और ऐसे करके हम लहसुन खेती में उत्पादन ले सकते हैं। लहसुन खेती हम बहुत कम खर्च में भी कर सकते हैं। जहाँ हम धान की कटाई करते हैं, धान की कटाई के जो जरा होता है उसमें हम डायरेक्ट प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन अत्यधिक मात्रा में होते और वहाँ से लहसुन का बहुत अच्छा उत्पादन और पैसा आता है। और बहुत इजी तरीके से लहसुन खेती होता है। और आपको लहसुन खेती कैसे करते हैं, तो हमने ज़मीन को अच्छी तरह से मल खाद का प्रयोग करके रेडी करते हैं। और उसके बाद में हम ठंडी इसको बढ़ने के लिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छा इसका पौधे का विकास होते हैं और उस समय में हमने इसको लगाना चाहिए। और 20 से 35 डिग्री सेल्सियस में इसका फल आता है। ठंडी मौसम में इसका फल नहीं आता है, गर्मी मौसम होना चाहिए। इतना ही बात ध्यान देंगे तो हमारा लहसुन खेती बहुत अच्छा होगा। और आपने ये ज्ञान आपको कैसा लगा, हमारा लॉजिकल एग्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। और आपको वीडियो अंतिम तक आपने देख लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय कृष्ण।